हाय एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो जो कि अगेन एक बीच आउटफिट हॉल। बेसिकली ये वीडियो बीच के रिगार्डिंग होने वाली, लाइक बीच पे आप क्या क्या पहन सकते हो और कौन कौन से कपड़े मैंने पहने थे जब मैं अंडमान गई हो, तो इंटरेस्टिंग होने ही वाली है क्योंकि मैंने इसमें सारे ही आउटफिट्स एक साथ इकट्ठे कर लिए हैं जो भी मैंने खरीदे थे। तो ज्यादा बातें ना करके मैं वीडियो में स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा था और उसमें ड्रेस जो इज नॉट जस्ट अ बीच ड्रेस, आप इसको कहीं पे भी पहन सकते हो, बट बिकॉज ये ड्रेस मैंने ले लिया था और मुझे इसमें जो ये फ्लोरल प्रिंट है इस ब्लू ड्रेस में, काफी क्यूट ड्रेस है, इतना लेंथ में है, लाइक थोड़ा सा छोटा है ड्रेस, नी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे वेस्ट लाइन पे ये फिटेड है पूरा, तो मतलब वेस्ट का एक कट पूरा पता चलता है। बाकी इसकी जो स्लीव्स हैं ये थोड़ी फ्लेयर्ड है, क्यूट वो है इसकी स्लीव पैटर्न, और पीछे से एक चेन लगा देती हूँ। फैब्रिक अच्छा है इसका, सॉफ्ट फैब्रिक है, काफी अच्छा फैब्रिक है, तो मैंने ये अंडमान में पहना था ये ड्रेस को अपनी, और बीच पे आप आराम से पहन सकते हो, किसी बर्थडे वगैरह पे पहन सकते हो, कहीं बाहर जा रहे हो तो भी पहन सकते हो, मतलब कैजुअल ड्रेस है, इजिली टू कैरी, और नी तक आती है आपके, तो मतलब इजी टू कैरी है, फटाफट से पहन लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत हो। इस टाइम पे 683 रुपीज की है मिंत्रा पे, ड्रेस ओवरऑल बहुत अच्छी है एंड आप इसे ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट ड्रेस। बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये बीच के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट ड्रेस है, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। एक और चीज, ये जो ड्रेस है ना, मतलब इसमें मैंने एक वीडियो कृति सैनन की भी देखी थी, या एक रील टाइप की देखी थी शायद कहीं पे, कृति सैनन ने इस टाइप की ड्रेस पहनी हुई थी, लाइक नॉट अ सेम पैटर्न और नॉट ही क्या, तो उसने कौन सा अर्बेनिक से लिया होगा, बट इस काइंड ऑफ ड्रेस उसने पहनी थी एंड शी वॉज लुकिंग डैम ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही प्रिटी लग रही थी वो, क्योंकि इस ड्रेस का पैटर्न ही कुछ ऐसा है, लाइक अगर आप थोड़े स्लिम हो तो सेम उसके साथ भी हुआ होगा, मतलब यार वो तो सेलिब्रिटी है, हर चीज में अच्छे लगते हैं वो लोग, बट मैं जनरली बता रही हूँ कि नॉर्मल लड़कियों के साथ यही होता है, अगर आप थोड़े पतले हो स्लिम हो तो ऐसी ड्रेसेस आपके ऊपर ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये है पीछे से इसका लुक, तो थोड़ा सा डीप है पीछे से और ये आ गया। और इस ड्रेस से मैं एक और चीज बताऊंगी, मैंने ये पहाड़ों पे भी पहना ड्रेस, मतलब तब मैं मानसून में गई थी पहाड़ों पे, तो मानसून में यार आपको कोई ठंडा वंडा तो लगता है नहीं, तो और ठंडी ठंडी वाइब्स होती हैं, और उसमें अगर आप ऐसा कुछ कपड़ा पहन लेते तो और अच्छा लगने लगता है, थोड़ी ठंडी हवा लग रही होती है, तो मैंने मानसून में भी पहना था पहाड़ों पे। ऐसा कलर है जो कि सबके ऊपर जाने वाले कलर, 490 की ये ड्रेस है, बट या 1490 के हिसाब से भी मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, मे बी थोड़ा कॉस्टली लगे, मैं पड़ी थी जब मैंने ये खरीदी थी, डिस्काउंट में पड़ी थी, जो मिली थी मुझे 1039 में पड़ी थी उस टाइम पे, कुछ 30% डिस्काउंट में, तो स्टील डील थी मेरे लिए ये। वैसे भी आप आउटिंग में, डे आउटिंग वगैरह में पहन सकते हो, काफी अच्छा लगता है ऐसे कलर्स पहन के, ठीक है, काफी इजी ब्रीजी से कलर, तो बहुत ही समरिश काइंड ऑफ ड्रेस है। कितनी शॉपिंग करती हूँ अर्बेनिक वालों में आपसे, कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट अच्छे वाले दिया करो यार मेरे को। सो दिस इज अगेन अ ड्रेस फ्रॉम अर्बेनिक, लेंथ का ड्रेस है, जो लोग शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनना है या फुल लेंथ का ड्रेस पहनना है तो उनके लिए ये ड्रेस बढ़िया ऑप्शन है, आप अच्छे से पहन सकते हो उस ड्रेस को, लंबी चौड़ी अच्छी खासी ड्रेस है यार, एंड पूरी फ्लेयर ड्रेस है, मतलब अच्छा खासा फ्लेयर है इसमें, आप देखो कितना लंबा चौड़ा फ्लेयर है इसमें, और इसका भी प्रिंट एंड पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब काफी यूनिक पैटर्न है इसका, काफी यूनिक, तो ये प्रिंट एंड पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें दो चार और पैटर्न्स थे बट मुझे ये वाला ज्यादा, वी नेक है पूरा, ऐसे वी नेक आता है आगे, ये जो भी आपको दिख रहा है पीछे का है डोरी बांधने वाला, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, तो बेसिकली ये ऐसा है वी नेक, ठीक है, अगर मैं इन बालों को हटा दूं तो ये ऐसा आता है, काफी अच्छा नेक आता है इसका, पीछे से भी वी नेक ही है, सेम वी नेक है, बस ये बांधने के लिए एक डोरी दे रखा है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने खोल दिया है, तो ये पीछे से बांधने के लिए एक डोरी दिया हुआ है। वेस्ट लाइन पे इन्होंने यहाँ पे एक इलास्टिक दे रखी है जो वेस्ट को आपके एक लुक प्रोवाइड करती है अच्छा सा फिटेड। पहली बीच वेकेशन थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि यार आपको क्या, मतलब मैं सिर्फ लुक पे जा रही थी कि लुक अच्छा होना चाहिए थोड़ा बीच पे, यार हम लोगों को लगता है थोड़ा फ्लोरल प्रिंट पहन लो सारी चीजें, तो मैं सिर्फ वही सोच के अपने माइंड में मैंने शॉपिंग किया था, तो मेरे साथ कुछ बहुत ही गड़बड़ हो गई थी जो कि मैं एंड में बताऊंगी कि क्या हुआ था और आपको क्या करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है अगर आप बीच में पहली बार जा रहे हो कहीं पे भी और आपको चाहिए भैया आप पूरा अंदर तक पानी में जाओ और खूब एकदम पानी में नहा जाओ बढ़िया सा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो मैं एंड में जरूर शेयर करूंगी, आप मिस मत करना क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। सभी 1590 की है, लॉन्ग ड्रेस है,
फुल मैक्सी टाइप ड्रेस है, मतलब आपका पूरा एंकल लेंथ तक आती है। ये हुई मेरी तीसरी ड्रेस जो कि आप जो कि मैंने राधा नगर बीच पे पहनी थी, अच्छी फोटोज आई थी, बढ़िया सी। तो ये ड्रेस आप ले सकते हो। इसका टॉप जो कि मैंने अर्बैनिक से लिया था, क्रॉप टॉप है, प्रिटी सा कलर है, बहुत ही सूदिंग सा कलर है, आंखों को चुभता नहीं। ये मैंने एक शॉर्ट्स के साथ वियर किया था उस टाइम पे, एंड काफी क्यूट लुक लग रहा था मेरा इसे पहन के। तो ये टॉप इज अ मस्ट बाय, कहीं पे भी पहन सकते हो आप इसे, नॉट जस्ट अ बीच वेकेशन, ऑलवेज बहुत ही कैजुअल वियर में आता है ये, आप किसी भी जीन्स वगैरह के साथ आराम से पेयर कर, स्ट्रेच हो जाता है। तो इसकी जो फिट आती है ना, मतलब एकदम परफेक्ट आपकी बॉडी के हिसाब से, ये बॉडी हगिंग टाइप का फैब्रिक है। ये 590 रुपीस की टी शर्ट है, तो आप इसे ले सकते हो अच्छे से, बहुत ही कैजुअल है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता ऐसी चीजों को पहनने के लिए। बहुत ही कम ऊपर तक बंद है पूरा गला, तो काफी अच्छा सा डिसेंट सा लुक आप कैरी करें। इस टॉप के साथ लिया था इसको पेयर करने के लिए, तो ये ग्रीन टॉप के साथ ही ब्लू शॉर्ट्स, डेनिम शॉर्ट्स काफी बढ़िया जा रहा था। ऐसा फिटेड ना हो, मतलब पूरा थाइस पे से पकड़े ना, थोड़ा सा खुला हुआ हो, तो मुझे वैसे शॉर्ट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो मैंने बिकॉज ऑफ दिस ये शॉर्ट्स लिया था, काफी अच्छा फिटिंग आ रहा था इसका पहन। तो इसका जो प्राइस है 990 रुपीज है, एंड ये मुझे 605 रुपए में पड़ा था, वही डिस्काउंट वगैरह। तो डेनिम का ये कलर आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, बहुत ही प्यारा लगता है ये शॉर्ट्स पहन के, आप किसी भी टी शर्ट वगैरह। अच्छा, देयर इज वन टॉप जिसका मुझे पता नहीं है कि मेरे पास बहुत टाइम से था, तो जब मैं वेकेशन पे जा रही थी तो मैंने इस टॉप को अपने ऐड कर लिया था। मैं इसको ज्यादा पहनती नहीं थी, शॉर्ट्स को मल्टीपर्पज यूज किया वहां पे एक ही वेकेशन पे, मैंने इस टॉप के साथ भी वियर किया इसको। तो इस टॉप के साथ भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये टॉप कुछ ऐसा है, इसकी स्लीव्स यहाँ तक आती है मेरे, बहुत ही अच्छी ब्लैक कलर का टॉप है ये, और ये ब्लैक कलर का टॉप यार बहुत अमेजिंग लगता है। आई डोंट नो कि मतलब मैं इसका लिंक आपके लिए अवेल करा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि काफी पुराना टॉप है यार ये मेरे पास, लाइक बहुत साल पुराना टॉप है ये। यहाँ से कट है लगा हुआ, एक थोड़ा कट लगा हुआ है, देन इस तरफ से भी थोड़ा सा कट लगा हुआ है इस टॉप में। तो ये टॉप यार बहुत ही परफेक्ट लगता है, एंड पीछे से ऐसा है। अरे ये टॉप मुझे याद है कि है मिंत्रा से, बट यार बहुत ही पुरानी परचेज है तो लिंक ढूंढना मुश्किल है, बट ये टॉप बहुत ही प्यारा है। तो मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया कि अगर ऐसा कोई टॉप आपको मिंत्रा पे कभी मिल जाता है, लाइक इसकी स्लीव्स वगैरह ऐसी होती हैं, तो ऐसे स्लीव्स वाले टॉप बहुत अच्छे लगते हैं यार। इस फेवरेट टॉप है ब्लैक इन कलर, क्योंकि एक तो ये ब्लैक इन कलर है, ब्लैक अच्छा ही लगता है मुझे बहुत, और ऊपर से इसका जो लुक है पूरा, ये क्रॉप टॉप है तो इसकी जो स्लीव्स लेंथ वगैरह सब कुछ आती है, काफी अच्छी आती है, मतलब बहुत क्लासी लगते हो आप इसे पहन के। अगर आप H&M से शॉपिंग करने वाले लोगों में से हो तो आपने ये ड्रेस को डेफिनेटली देखा होगा अब तक, क्योंकि ये ड्रेस H&M में बहुत लगी हुई मिली है उस ईयर, मतलब लास्ट ईयर मैंने इस ड्रेस को बहुत देखा है H&M पे। तो ये कुछ ऐसी है, मतलब ये जो पैटर्न था, ये जो कलर का पैटर्न है, ये H&M में बहुत आया, तो ये ड्रेस जो थी H&M से ली है मैंने। तो इसका ये पूरी एकदम ऐसे स्ट्रेट जाती है, नो फ्लेयर नथिंग, पूरी स्ट्रेट जाती है, और अच्छा है लुक वाइज और कलर वाइज, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो कि मुझे नहीं पसंद है इस ड्रेस में, वो इसका जो कपड़ा है, मतलब कुछ नेट पे ये कुछ किया हुआ है, दिस इज नॉट अ प्रिंट, ये कोई प्रिंट नहीं है इनका, ये कुछ नेट है लगा हुआ। अच्छा है लुक, ओवरऑल बहुत अच्छा है। जो मुझे नहीं पसंद है वो है इसका ये जो नेक का एरिया है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। मतलब मुझे ये ड्रेस में बस यही चीज है जो कि पसंद नहीं है, मेरा पूरा गला ऐसा बंद सा लग रहा था। ये ऐसे जाती है स्ट्रैप और ये ऐसे बांध देता है, ठीक है, और ये ड्रेस कुछ ऐसे जा रही होती है हमारे। जब मैंने इसको पहना मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, मतलब H&M पे इसके और भी अलग वो हैं पैटर्न्स, इट जस्ट कि मुझे इसका नेक नहीं पसंद है, सो आई विल नॉट रिकमेंड एट ऑल दिस ड्रेस। आप H&M में, मैंने पैसे भी बर्बाद किए H&M में, आपको कोई भी ड्रेस 1500 से नीचे की नहीं मिलती है, तो मुझे 1500 में ये ड्रेस कलर वाइज इट्स गुड, बट इफ आई डिडंट फील, अगर मैं उसको पहन के कंफर्टेबली फील ना, कॉर्ड सेट मैंने लिया था और कुछ साटिन का कपड़ा जो होता है, उस साटिन के कपड़े पे है ये डिजाइनिंग वगैरह, तो काफी अच्छा बीच वियर है ये जो मैंने पहना था बीच पे। ये स्ट्रैपी है पूरा, बैक भी ऐसा है इसका, साथ इसका नीचे शॉर्ट्स मिला था मुझे, दिस इज द शॉर्ट्स जो कि मुझे इसके साथ मिला था, ऊपर इलास्टिक है, और इसका जो लेंथ है बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि ऐसे कपड़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बीच पे जाने में, आप आराम से। मुझे ऐसे फ्लावर वाले फ्लोरल पैटर्न्स ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब लाइट कलर्स पे ऐसे फ्लोरल पैटर्न्स ना एकदम मन जीत लेते हैं मेरा। पीच कलर पे था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जो मैंने अभी टॉप भी पहना हुआ है ये भी कुछ पीच कलर में है, तो मुझे ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब समर्स में पहनने के लिए। तो 990 है, बट
990 में ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा अगर आप बहुत सारी शॉपिंग करते हो. मुझे 647 रुपीज में पूरा सेट आया था इस टॉप के साथ. सो ये पूरा सेट आ रहा है ईवाई यंग पे, तो मैंने ईवाई यंग से लिया था. मैं बता दूंगी कि ये था, मैंने पहली बार वहां से ईवाई यंग से शॉपिंग की थी तो मेरे को उतना वो भी नहीं था कि ये मेरी सही शॉपिंग होगी या नहीं होगी. बट यार अच्छी चीज आ गई तो यार अच्छी आई है तो मैं बोलूंगी यार अच्छी आई है. और इसका जो स्कर्ट है उसकी उसमें फ्रिल्स बहुत अच्छी हैं, ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी फ्रिल्स हैं. तो ये ऐसे जब आप पहनते हो तो ये पूरा फ्रिल्स ऐसे जा रहा होता है, पूरा फ्रिल्स ऐसे जा रहा होता है, तो काफी अच्छा बढ़िया स्कर्ट है. और ये स्कर्ट अगेन कि आप बहुत ही अलग अलग टॉप्स के साथ ट्राई कर सकते हो, बट इस टॉप के साथ तो जिसके साथ आया है ये इस टॉप के साथ ही ये बहुत अच्छा लग रहा था. मैंने किसी न्यू वेबसाइट से ही खरीदी थी. अभी मुझे उसका दिस कलर एंड ऑल, ये जो वाइट कलर है और इस पे जो फ्लावर प्रिंट है, मतलब काफी अच्छा फ्लोरल प्रिंट है, तो मैंने ये वाइट के चक्कर में ये ड्रेस खरीद ली थी कि मुझे एक वाइट ड्रेस भी पहननी है. और ये अगेन दिस इज अ स्ट्रैपी ड्रेस, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. मतलब लिंक मिलेगा पता नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, बट यार ऐसी कोई ड्रेस आप डेफिनेटली ले सकते हो. मतलब छोटी सी ड्रेस है, क्यूट सी ड्रेस है, बहुत अच्छा लुक देती है. ऐसे जा रही थी मेरे ऊपर और बहुत ही प्यारी लग रही थी. मैं ड्रेसेस आई गेस मैंने सारी दिखा दी हैं. अच्छा, दिस इज अ टॉप अगेन जो कि मैंने अर्बेनिक से मंगाया था. ये टॉप मेरा बहुत ही, मतलब मुझे ये टॉप बहुत पसंद है. सिर्फ बटन पैटर्न है इसमें और ये बीच कलर में टॉप है, तो यहाँ पे बटन पैटर्न है और ये स्लीवलेस टॉप है. ये टॉप भी ऐसा ऐसा टॉप है कि यार ये बहुत ही वर्सेटाइल कपड़ा लिया है मैंने, जो कि किसी के भी साथ चला जाता है. किसी भी हाई वेस्ट जीन्स वगैरह के साथ मैं पहन लेती हूँ इस टॉप को, तो काफी अच्छा ड्रेस अच्छा टॉप है. सी थ्रू है, मतलब कपड़ा नहीं है, ये कुछ धागों से बनाया हुआ है, निटेड है ये बेसिकली. तो इसमें ना पूरा सब दिख, डायरेक्टली नहीं पहन सकते इसको, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपन को कि क्या किसके साथ हमको पहनना है, किसके साथ जाएगा ये, किसके साथ नहीं जाएगा, अंदर क्या पहनना होगा, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है. बट अदरवाइज इट्स अ गुड टॉप, मतलब बढ़िया टॉप है ये. 890 रुपीज का टॉप ये. अच्छा, आपने मेरी पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी है तो जाके प्लीज फटाफट से देख लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बीच वियर आप लोगों के लिए शेयर किए हैं. अगर आप कहीं पे भी बीच लोकेशन पे जाने वाले हो, मतलब शेयर किए हैं ना अफोर्डेबल रेंज में, सारी ड्रेसेस मैंने आपको शेयर की हैं जो कि आप आराम से ले सकते हो. और मैंने ऐसी भी ड्रेसेस ऐड की हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बीच के ऊपर ही नहीं है, आप उनको कहीं पे भी पहन सकते हो. लाइक वेरी वर्सेटाइल ड्रेसेस, मैंने सारी वर्सेटाइल ड्रेसेस आपके साथ शेयर की हैं जो कि आप कभी भी उसको ट्राई कर सकते हो. वहां के अलावा कहीं और ना पहन पाऊँ तो मैं ऐसा कपड़ा नहीं लेती. मैं थोड़ा सोच लेती हूँ कि हाँ अच्छा तो लग रहा है वहां के हिसाब से भी, क्या मैं इसको कहीं और भी पहन सकती हूँ. तो यार अपने पास उतना पैसा नहीं है तो अपने को थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार हमको ये और भी जगह हमारा पहना जा सके कपड़ा. सिर्फ ऐसा ना हो कि बस वो लोकेशन स्पेसिफिक हो जाए और हम उसको फेंक दें, ऐसा नहीं कर सकते हम. तो बस यही सोच के मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ और उसी हिसाब से मैं सारी ड्रेसेस खरीदती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रिव्यूज आपके साथ शेयर करती हूँ. तो बस आपको हेल्प करने के लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ कि हाँ ऐसी आप मेरी वीडियो अगर आप देख के आपको कुछ हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ भैया ऐसा आपकी वीडियो देख के हमने वो कपड़ा खरीदा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे ऊपर अच्छा लगा. तो बस इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज बना रही हूँ. जब मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो, कॉमेंट डाउन कि आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया. एक बार देख रहे हो मुझे, पहली बार देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब करते जरूर जाना. मैं ऐसी बहुत हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगी. एक इंपॉर्टेंट टिप रह गया जो मैंने पिछली अभी बोला था आपको स्टार्टिंग में, कि आप बीच पे जा रहे हो तो कपड़े थोड़ा कॉटन क्लोथ उतना मत लेना, क्योंकि कॉटन में यार वो जो बालू होता है ना वहाँ का वो भर जाता है, मतलब बहुत बुरी तरह चिपक जाता है. तो मेरा एक कपड़े में ऐसा ही हुआ था कि यार वो कॉटन का था, उसमें पूरा बालू चिपक गया और वो हटने में ही नहीं हट रहा था. मतलब मैं पानी में डाला उसको, हर चीज किया और बालू हटने में आ ही नहीं रहा था. तो मैं आई गॉट सो पिस्ड ऑफ किया. तो थोड़े चिकने होते हैं ऊपर से, लाइक पॉलिस्टर वॉलिस्टर के मटेरियल ना, उनपे से बालू हट जाता है बहुत ईजिली. आपने पानी में डाला और बालू नीचे गिर जाता है, बट ये जो कॉटन वाटर होता है ना इसमें घुस जाता है. घुस जाना. मैं ऐसी बहुत हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगी. क्लीन, बाय बाय.